हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पुरातात्विक सोर्स से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, साथ ही उनके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, सभी को पता होगा। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। पुरातात्विक सोर्सों की बात करें तो प्राचीन टीलों और स्मारकों का खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी कहलाता है। रेडियोकार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियोकार्बन को हम C14 भी कहते हैं और कार्बन का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो है सम स्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियोकार्बन पद्धति से ये पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन जो है लगभग 7000 से लेके 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर जो परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं उनके अन्य प्रकार में जो काम में लगाए जाते हैं ये भी पता चल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए खच्चर है, खच्चर जो है उसका काम क्या है, सामान को ढोने के लिए। तो इन हड्डियों का अगर खच्चर की हड्डियां हैं तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये काम में लिया गया है या नहीं। आगे है अभिलेखों की बात करें तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ शासक हैं और उनके प्रमुख यानी कि बहुत ही फेमस जो हैं वो अभिलेख हैं। तो सबसे पहला हाथी गुफा अभिलेख है जो कि कलिंग नरेश खारवेल का है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो गया। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय का, नासिक गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख जो है मालव नरेश यशो वर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन का। और भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंद गुप्त का है। तो बिल्कुल हमको एक बिल्कुल याद रखना है किसके कौन से अभिलेख है, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो है मिलान के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का नाम जो है सर्वप्रथम कौन से अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जो है सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप को सफलता मिली है। तो सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसिप 1837 में जॉन जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा था। आगे देखते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने जो है पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसिप है 1837। अभिलेखों में जो लिपियां लिखी गई वो कौन कौन सी, तो ब्रह्मी लिपि की बात करें तो अशोक के लगातार अधिकतर अभिलेख जो हैं ब्रह्मी लिपि से, तो ये बाएं से ब्रह्मी से बा और बाएं, तो ऐसे याद रखना ब्रह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी गई है। खरोष्टी बस जस्ट इसका उल्टा कर देना है, ये दाएं से बाएं लिखी गई है। यूनानी अरेमाइक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो मिले हैं यूनानी और अरेमाइक लिपि से लिखे हुए मिले हैं। अब यहाँ पर सिक्कों की बात करते हैं,
तो प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें जो है धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व धातुओं या मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान हुआ करती थी, उन्हें पंचमाक या आहत सिक्के कहे जाते थे। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, वहां से जो है पंचमार्क कोई मिले हैं, जहाँ पर चंद्रमा का चित्र कुछ इस तरह से जो है साइन उसमें मिले गए हैं। पंचमार्क मतलब उनको ठप्पा लगाकर ही बनाया गया है, और जो उनका वेट हुआ करता था सभी का समान नहीं होता था, ये भी याद रखना है। आगे है सिक्कों का अध्ययन, का अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। यूनानी शासकों को ही जो परंपरा है वो फिर भारत में आती है, और भारत में भी जो है डेट वगैरह अपने अभिलेखों में सिक्कों में लिखने लग गए। भारत में सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, जो विशेषतः सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के निर्मित है। सबसे सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे, जबकि सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक जो है सीसे के सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहनों के जो सिक्के हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं वो सीसे के हैं, और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक जो है मतलब इनके पास बहुत ज्यादा, गुप्तों के पास सोना था, तो उन्होंने सोने के सिक्के बहुत ज्यादा, बहुत अधिक निकाले थे। लेकिन बहुत ही प्योर गोल्ड किसका था, तो कुषाणों के टाइम में प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था सिक्कों में। आगे देखते हैं मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की मूर्तियां मिलती हैं, एक गांधार और गांधार कला और एक मथुरा कला। तो यहाँ पर मूर्तियां प्राचीन काल में, मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण गुप्त गुप्तोत्तर काल से निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावना का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विशेष प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। तो मथुरा तो भारत में है, तो भारत की होगी तो स्वदेशी होगी, और जो गांधार है तो वो भारत में नहीं है, तो उस समय क्या है, विदेशियों का प्रभाव उसमें ज्यादा देखने को पड़ता है। भरहूत बोध गया अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकियां मिलती हैं। स्मारक एवं भवन की बात करें तो प्राचीन काल में महलों मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के हैं, दक्षिण के द्रविड़ हैं, और दक्षिण पथ के जो मंदिर हैं वो वैसर शैली के हैं। तो मतलब अगर हम देखें, अगर हम भारत में देखें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तर वाला, यहाँ पर जो है नागर शैली है, और यहाँ पर जो साउथ का है वहां पर द्रविड़ है, और ये जो बीच में है यहाँ पर मिले जुले दोनों की विशेषताएं लिए हुए वेसर शैली का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से प्राप्त मंदिर तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रकाश पड़ता है। चित्रकला की बात करें तो सबसे पहले चित्रकला हमें मध्य पाषाण काल में मिलती है, वो भी भीमबेटका से। तो चित्रकला हमारे उस समय के जीवन को विशेष महत्वपूर्ण बनाती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की अधिक सुंदरता अभिव्यक्ति मिली है, और मैंने यहाँ पर बताया था भीमबेटका, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर मध्यकालीन भारत की चित्रकला इसमें देखने को मिलती है। चित्रकला में मतलब यहाँ पर जो है अजंता वाली चित्रकला की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है माता शिशु और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेष की बात करें तो अवशेषों में प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अत्यधिक सहायता मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसार से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें, भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, परंतु मध्य एशिया से प्राप्त की गई प्राकृत भाषा की पांडुलिपियां मेषचर्म और कष्ट फलकों पर लिखी गई हैं।
संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इसमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकता है, परंतु अथर्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। आगे है, ऋग्वेद के मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेद हैं, अपवेद हैं, उनकी विशेषताएं। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा से संबंधित है, यजुर्वेद यानी धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, सामवेद मतलब गांधार कला एवं संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद मतलब शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है। वेदांग की बात करें तो वेदांग का अर्थ समझने व सूत्रों के सही आचरण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कितने हैं हमारे? 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा में क्या है? शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया गया है, कैसे निर्माण होता है शुद्ध उच्चारण। कल्प में कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम दिए गए हैं। व्याकरण, इसमें नामों तथा धातुओं की रचना एवं अपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम दिए गए हैं। निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। छंद जो है वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रुष्टुप, जगती, वहती का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषी, जिसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य जो है लगद मुनि है। महाकाव्य की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि जो है, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं, जो बढ़ के फिर 6 से 12 हजार हो जाते हैं। 12 से 24 हजार श्लोक वर्तमान में हैं। इसकी रचना जो है संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में संपन्न हुई होगी। महाभारत की रचना की बात करें तो महर्षि व्यास ने की थी इसकी। इसे जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। स्मृतियों की बात करें तो यहाँ पर इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना गया है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है, जैसे मनुस्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के नापों का विधान है। ज्यामितीय और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता हमको देखने को मिलता है। धर्म सूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध जो है 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे हैं, जिनका वर्णन जो है जातक कथाओं में था। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। 15 खंडों में विभक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। संगम साहित्य जो है तोलकपियम और शिलपदिगारम मणिमेखलो, ये तीन है, और भी हैं, लेकिन ये जो है संगम साहित्य से संबंधित है। संगम ग्रंथों में अनेक नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धि पूर्ण अस्तित्व जो है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। विदेशी विवरण की बात करें तो यूनानी रोम के लेखक, यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में
सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस, जिसके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्तनीस की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों को की रचनाओं में समय आए हैं। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिस्प्लस ऑफ द एथेरियन सी और टाल्मी इस इन दोनों पुस्तकों में हमको उस समय की भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी जो है 80 ईस्वी से लेकर 115 के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है, यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी यात्री का विवरण जो है फाहियान, सबसे पहले चीनी यात्री जो है फाहियान है, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। इनको फो क्यू की रचना की थी जिसमें गुप्त काल के भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। कॉसमोस इंडिका प्लेस्टक्टस जो है ये यूरोपीय यात्री 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक जो है ग्रंथ लिखा गया था, ये क्या है, एक न्यू फैक्ट है और इसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। कॉसमोस इंडी कप लेस्टस होइनसांग की बात करें तो होइनसांग जो है यूनान चांग, यह हर्षवर्धन के समय में आया था होइनसांग और 629 में ईस्वी में इन्होंने सी यू की रचना की थी। इत सिंह जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वर्णन किया था। अरब यात्रियों का विवरण सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया। अल मसूदी, यह 1941 में 1943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूटों, अल मसूदी ने जो है राष्ट्रकूटों के शासकों के बारे में लिखा था और सुलेमान पाल प्रतिहार। अलबरूनी जो है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, ये गजनवी के समय में भारत आया था और उस समय उन्होंने यहाँ पे सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देख के अपने जो तहकीक ए हिंद है इसमें लिखा है। और सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउ जो है किताबुल हिंद को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अरब यात्री आए थे, सुलेमान जो हो गए, पाल और प्रतिहारों का वर्णन करते हैं, अलमसूदी जो है राष्ट्रकूटों का और अलबरूनी गजनवी का। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों का उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किस शासकों ने आरंभ किया था, तो यूनानियों ने आरंभ किया था। भारत में सर्वप्रथम सिक्के निम्नलिखित में से किस काल में से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्योत्तर काल से। सूची एक और दो पर मिलान करना है। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण कराने का जो है वो यूनानी, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, भारत में सर्वाधिक सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के ये हो जाएंगे कुषाणों का, सर्वाधिक सोने के सिक्के तो 4 और 1, इसको ही देखते हैं। तो 4 और 1 पहले ऑप्शन में है, तो इसको और भी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त काल में, सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, फिर से सूचियां दी गई हैं, इसका मिलान करना है। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल का है, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, एहोल का पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और प्रयाग
स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद में आयुर्वेद से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, यजुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित है, यानी कि एक हो जाएगा, सामवेद गाने से संबंधित है, तो कला एवं संगीत हो जाएगा। दूसरा अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद हमको मिलेगा शिल्प वेद से, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीस किसके शासनकाल में राजदूत बनकर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हिस्टोरिका नामक हेरोडोटस ने लिखी थी। फाहियान से संबंधित सत्य कथन, फाहियान जो है हर्ष नहीं चंद्रगुप्त के समय में था, और इन्होंने क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसादों को देव निर्मित बताया गया है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी से किसके द्वारा लिखी गई है, तो यूनानियों द्वारा, ओ सॉरी यूनानी भाषा में लिखी गई है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी रचना है, तो हेंग हेंग सांग की जो है ये हो जाएगी सी यू की। कॉस्मोस इस ये तो फोर्थ, क्रिश्चियन टोपोलॉजी प्लीनी की, नेचुरल हिस्टोरी का टालमी की, ज्योग्राफी, तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे फिर से देखते हैं, फिर से मिलान करना है, तो मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये एक हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामले की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख जो हो जाए, एरन अभिलेख जो है यहाँ पे समुद्रगुप्त दो दो हैं, तो यहाँ पे दो हो सकता है, एक दो। बौद्ध स्तंभ लेख शुंग वंश की जानकारी, और एरन जो है समुद्रगुप्त, एक दो तीन चार ही यहाँ पर सही है ये ऑप्शन। आगे देखते हैं, किस चीनी यात्री द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था, तो हा से हर्षवर्धन, हा से हिंगसांग, इन्हीं के काल में ये आए थे और शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन, शिलादिगारम नामक ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस से है, तो हमने पढ़ा था संगम साहित्य से है। आगे है, महापाषाण यानी कि मेगालिथ संस्कृति का उदाहरण किस का कौन सी जगह से है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या है, बड़े बड़े पत्थरों को क्या है रखा गया और फिर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख के यहाँ पर जो है शव को दफनाने की जो परंपरा थी वो साउथ में थी, तो आंसर हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। भावनात्मक चित्र चित्रात्मक भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध किससे, हड़प्पा संस्कृति का से है। जेम्स प्रिसिप ने 1837 में जो है शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यूनानी विवरणों में सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का विवरण प्राप्त होता है, मथुरा स्तंभ लेख से, किससे मथुरा स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख के संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए, यह सतर्कता आत्मसंयम और त्याग। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ जो है अभिलेख विदर्भी शैली में है, तो यह है एरन स्तंभ लेख। आगे है, निम्नलिखित में से किस वेदांग को वैदिक साहित्य में गायत्री तिष्ठुप जगति बृहति का प्रयोग किया गया है, तो छंद में किया गया है। वैदिक ग्रंथों में शुद्ध आचरण हेतु किस वेदांग को का निर्माण किया गया है, तो शिक्षा को जो है शुद्ध आचरण हेतु यूज किया गया है। ह्यूइन सांग के किस मित्र ने ह्यूइन सांग की जीवनी लिखी थी, तो ह्यूवी ली ने इनकी जीवनी लिखी थी, ह्यूवी ली ने। तो आई होप आपको ये वाला जो है टॉपिक समझ में आया होगा,
समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।